इज़ इज़ दिस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ओके का तो चालू हो गया उसके स्लॉट्स से जैन से चालू हुए अभी मई तक चल रहे हैं ठीक है आपका लॉ का फेज वन खत्म हो गया मार्च में फेज टू चल रहा है फेज टू अभी चल रहे मई तक चलेगा अब भैया अब काफी लोग पूछ रहे थे अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने ट्वेंटी वन डेज बताई थी अब लास्ट मिनट टिप्स क्या हो या फिर किसी को दस दिन में पंद्रह दिन में प्रिपेयर करना है क्या है तो मैंने सोचा भैया खुद मैंने एन मैं लास्ट के पास और इतनी वीडियोज मैंने बनाए पहले तो चेकआउट करो प्ले सब बता रखा है एन एम क्राइस किसी भी कॉलेज की सबकी चेकआउट कर लो सारी वीडियो देखो क्योंकि हर कॉलेज में सिमिलर एंट्रेंस वगैरह है उनकी स्ट्रैटी सिमिलर है इंटरव्यू वगैरह सिमिलर है इसलिए मैं बोलूंगा एक बार जितने कॉलेज वगैरह की वीडियो आप चेकआउट कर लिया करो एंड स्पेशली एन एम एम्स तो एन एम्स की प्ले तो देख ही लो अब भैया मैं लास्ट में टिप्स वगैरह दे देता हूँ ठीक है अब सबसे पहली बात लोग पूछ रहे 15 दिन में क्या किया जाए क्रैक होगा या नहीं होगा अब भैया आप देखो ऐसा है कि दस पंद्रह दिन में बहुत टफ है ठीक है अब लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलता कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है ठीक है एक परसेंट चांस है तो एक परसेंट भी डाल दो ना अपना देखा जाएगा नहीं हुआ तो वैसे ही नहीं हो रहा था आपने अपना बेस्ट दे दिया प्लस ये प्रिपरेशन आगे और कोई एग्जाम होने वाला है सीई वगैरह या एम एस वगैरह या फिर आई पी मैट जिप मैट या सिम्बाइज का सेट उसमें काम आ जाएगी ठीक है तो वेस्ट नहीं जाएगी प्रिपरेशन इन शॉर्ट तो इसलिए 10-15 दिन भी है तो चालू कर दो तैयारी अब 10-15 दिन है कैसे प्रिपेयर करना है उसकी वीडियोज मैंने टेन डेज प्रिपरेशन स्टडीज एंड पैट की बनाई है ठीक है लास्ट ईयर है लास्ट लास्ट से बनाई है इस ईयर मैं ऐसे प्रॉपर डे वाइज नहीं बता रहा हूँ बट आपको इन शॉर्ट बता देता दूँ कैसे करना है एंड गाइज इफ समन इज इंटरेस्टेड फॉर डायरेक्ट एडमिशन एन एम आई एम एस में किसी कोर्स के लिए क्राइस एम्बाइस एन एम ई टी बाइस एन किसी भी कॉलेज ऑल ओवर इंडिया टॉप के जितने बी एम एस डिजाइन साइकोलॉजी किसी भी कोर्स के लॉ में जीएलसी आई एल एस सिंबाइसिस जिंदल आपका प्रवीण गांधी मेटी बाइक का या फिर आपका इंजीनियरिंग में वी आई टी एस आर एम मनीपाल बिट्स थापर वगैरह मेडिकल में कोई टॉप कॉलेज है या फिर एम का कोई टॉप कॉलेज है तो वैस पूछते रहते लोग डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं होता होता है गैस इज पॉसिबल काफ़ी लोग दो तीन साल से पूछते तो मैंने रिसर्च की डीप में अब मैं मेरी टीम ने तो होता है मैसेज करो मेरे को इंस्टाग्राम पर या फिर इस नंबर पर हम समझा देंगे आपको कि क्या प्रोसेस है क्या है लीगल है या नहीं या फिर कितने फ्रॉड्स होते हैं कौन फ्रॉड्स नहीं है क्या आपको नहीं करना है ये इस काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं लोग कम पैसे सुन के बहुत सारी चीज़ें सुन के जल्दी से बातों में आ जाते हैं एजेंट्स वगैरह बहुत ठकते हैं ऑनस्टली तो बहुत फ्रॉड्स हैं सिर्फ पाँच परसेंट दस परसेंट लोग जेनुन है तो मैं वो भी मैं बताऊँगा किसको क्या कनेक्ट करना है कैसे क्या प्रोसेस है अब ये दस बारह दिन है सबसे पहले जो आपको सेक्शंस आपका वीक है उसको आप सबसे ज़्यादा टाइम देना दस दिन है फॉर एग्जांपल तो उसको चार पाँच दिन दे दो फिर आपका जो सबसे स्ट्रांग uh, है उसको सिर्फ़ एक दिन दो इंग्लिश जनरली लोग कुछ इतना टफ नहीं आता मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था तो एक दिन दे सकते हो बाकी जो फिर मिडिल में रीजनिंग है उसको दो तीन दिन दे ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो अब बाकी मैंने ट्वेंटी डेज स्ट्रेटेजी वीडियो है देख लो जाके उसमें बताया है कि कैसे आपको करना है मतलब आपको क्या क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब बता भी रखा है इन पैट तो आप पूरी प्लेलिस्ट वगैरह देखोगे तो समझ आएगा ठीक है तो लेकिन इन शॉर्ट मैंने समझा दिया ऐसे करने मॉक पेपर बहुत जरूरी होते हर प्रिपरेशन वीडियो बोलता हूं तो मॉक पेपर अटेंड करना लास्ट मिनट टिप्स बताता हूं सबसे पहले अब देखो लास्ट में टिप्स में अगेन मॉक अटेम्प्ट करना कंपलसरी मॉक या प्रीवियस ईयर पेपर ठीक है सैंपल पेपर वगैरह जो भी तो एन एम एम के ऑफिशियल साइट पर इंपैक्ट पर आपको प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर कुछ भी बोलो वो मिल जाएंगे ठीक है फॉर एनी एग्जाम सी के लिए भी है आपका लॉ के लिए भी आपका इनपैक्ट के लिए भी है तो सबके आप ऑफिशियल साइट पर डालोगे तो मिल जाएंगे ठीक है सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर वो लगा लो मार्क्स ले लो किसी भी अच्छी कोचिंग से जो भी आपको मन करे आपकी है उधर से मॉक्स लगा लो ठीक है मार्क्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एटलीस्ट दस से पंद्रह मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है मिनिमम कईयों का ज़्यादा आ जाता है कोई अटैम्प्ट नहीं करता है किसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है एंड वो नहीं कर रहे है, तो उसके मार्क्स कम भी होते हुए देखें इसलिए मार्क्स कंपलसरी है क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि भाई कितने पानी में हो ठीक है क्या वीक चीज़ें आपकी आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो क्योंकि एनपैड काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मतलब मैटर करेगा क्योंकि आपके एक सौ बीस क्वेश्चन हैं सौ मिनट है तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस सेक्शन को कितना देना है आप क्या जल्दी कर हो एनालाइज करना पड़ेगा इसलिए मॉक्स दे देना जितना हो सके उतने दो ठीक है एटलीस्ट आप तीन चार दिन तो मॉक्स को दो ठीक है फिर मॉक्स हो गया अब सेकेंड डे पे वाइल अटेम्प्टिंग एग्जाम भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है इंपैक्ट में तो आपको लास्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है ठीक है कुछ भी नहीं आ रहे है। जितने क्वेश्चन बचे हैं करो मार्क अंधा करो ठीक है मैं बता दूँ कैसे करना है सबसे पहले आप अटैप्ट करो जो आपको श्योरिटी से आ रहे हैं ठीक है थीके? जो आपको पता है फुल शॉर्ट शॉर्ट आपको आते हैं वो सब अटैम्प्ट कर लो फिर आपको जिनमें डाउट है आप दूसरी बार में वो सॉल्व करो ठीक है डाउट है हो गया सॉल्व मतलब आपको चार में से दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन में डाउट है फिर आप सेकंड टाइम में वो सॉल्व करो लास्ट में आपको सिर्फ तुक्का मानना है क्योंकि इंपैक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है यही एडवांटेज है तो लास्ट में भैया भगवान का नाम लो टिक मार्क मारो या ये ऐसे अटेम्प्ट कर लेना आपका सीन बन जाएगा थर्ड थिंग अब देखो ये तो गाइज रियालिटी है कि एमपैक्ट में कौन सबसे ज्यादा टफ आता है एंड आपका सबसे ज्यादा इंग्लिश रीजी एंड इवन रीजनिंग भी ईजी रहता है तो आई वुड सजेस्ट कि uh, आप दो सेक्शन कोई भी तीन में से दो सेक्शन मैं तो बोलूंगा वो सबका अलग है दो सेक्शन आपने किल कर दिया मतलब तो आपका एक सेक्शन 40 मार्क्स का है तो आपने 80 में से सेवेंटी फाइव प्लस सेवेंटी टू प्लस कर दिए दो सेक्शन में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि आप जो लास्ट सेक्शन चालीस उसमें से कुछ तो सही करोगे तो आपका एटी एटी फाइव तो बन ही जाएगा उतने में तो आपको मिल ही जाएगा कोई भी मतलब अच्छा फर्स्ट प्रिफर मुंबई कैंपस ठीक है तो ये सीन है आपका ऐसे आप कर लेना दो सेक्शन अच्छे से जनरली आ, कौन स्टफ आता है इस कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है मैथ्स के लिए उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है आप मैथ्स को अच्छे से करो टाइम दे के एंड फिर रीजनिंग या इंग्लिश बट जनरली जो लोगों का रहता है या फिर जो इन जनरल बहुत सारे देखे देखें बोलूंगा, guys, मैं बोलूंगा गाइस इंग्लिश एंड रीजनिंग में फाड़ लो फाड़ इन दोनों में फाड़ दिया तो कौन से आपका टेंशन उतर जाएगा नहीं भी आपको दस क्वेश्चन बीस भी आ रहे हैं चलेगा ठीक है सीन बन जाएगा वो तो चीज भैया आपके पास टाइम लिमिट है तो गाइस टाइम लिमिट का याद रखना है आपके पास सौ मिनट है एक सौ बीस क्वेश्चन है तो किसी भी क्वेश्चन पे अटक मत जाओ अगेन कोई नहीं आ रहा है आपको भूल जाओ जैसे मैंने आपको बताया कैसे अटेम्प्ट करना है फर्स्ट में आपको अटेम्प्ट करना है जो आते हैं शॉर्ट शॉर्ट सेकेंड में जो डाउट है थर्ड में तुक्के तो किसी क्वेश्चन में मैं बोलूंगा आप एक दो मिनट से ज़्यादा मत देना वरना आपका पेपर नहीं होगा कंप्लीट छूट जाएगा बहुत स्टूडेंट्स के ने देखे हैं पूरा सेक्शन रह जाता है लास्ट में कुछ नहीं कर पाते हैं वो तुक्के भी क्या मारेंगे फिर समझ ही नहीं आएगा कुछ हो <laughs> तो ऐसा सीन है इसलिए टाइम बहुत जरूरी है इसलिए मैं बोला था मॉक करना है तो जब पेपर भी अटेंड करो रियल में ऐसा नहीं आप क्वेश्चन एक बहुत सॉल्व हो रहा है करते जा रहे हो तो गाइस टाइम देखो टाइम बहुत बड़ा की फैक्टर है आपके सिलेक्शन में इंपैक्ट में। अब गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप भैया पेपर अटेंड करो मैं हर प्रिपरेशन स्टाडी किसी भी एग्जाम बोलता हूँ बीच में टेंशन मत लेने लगना अब नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन इतना बच गया इतने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं ये नहीं आ रहे वो चिल करो पेपर के स्टार्टिंग बीच में इतना टेंशन मत लो खत्म कर लो पेपर कैसे कैसे करे कुछ भी कर लो पेपर खत्म कर दो जितनी टेंशन लेना है ले लो बट ड्यूरिंग एग्जाम टेंशन मत लो उसके चक्कर में आपका के, आपके दस नहीं हुए आप इसलिए पेपर, पेपर खत्म हो, हो जाए बहुत टेंशन लो दिन भर लो रिजल्ट तक कोई दिक्कत नहीं है बट पेपर जब हो रहा है आपका ड्यूरेशन है उससे पहले टेंशन मत लो इवन पेपर से पहले भी सेंस नहीं बनाता टेंशन बाद में ही लो ठीक है पहले भी आप नर्वस रहोगे आपका सही से दिमाग नहीं लगेगा प्रिपरेशन मैं मौक नहीं दे पाओगे इसलिए सबसे पहले ड्यूरिंग एग्जाम एग्जाम से पहले मत लो टेंशन भूल जाओ अपना बेस्ट दो सोचो कि देखा जाएगा ठीक है एग्जाम हो जाए खत्म पता चल गया क्या हुआ है उसके बाद टेंशन जितनी लेने ले लो रिजल्ट तक क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली टेंशन लो बट फिर कुछ होगा नहीं ना नुकसान नहीं होगा बट अगर आप एग्जाम के टाइम एग्जाम से पहले लोगे टेंशन तो नुकसान होगा वर्स गाइड आई होप ये वीडियो आपके लिए है तो लाइक कर देना ऐसी हो गया चीडियो टू एंट्रेंस प्रेपरेशन स्ट्रेटी वगैरह कैंपस टूर कॉलेज फैक्ट्स कॉलेज रिव्यूज कोर्सेज फैक्ट्स वगैरह इंटर्नशिप हाउ टू मेक मनी वगैरह सीरियस तो आपको इस चैनल पर इंटरटेनमेंट एजुकेशन सब कुछ मिलेगा इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ कोई भी डाउट ड्रॉप कर को दिया फिर आप डीएम कर सकते हो मुझे फॉलो करना थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा ऑल्सो गाइज आपको वन ऑन वन पर्सनल गाइडेंस सेशन चाहिए मेरे साथ तो कनेक्ट कर सकते हो मेरी टीम को मैसेज कर दो वो बता देंगे ऑब्वियसली इज चार्जेबल बट आप मेरे साथ एक सेशन रहेगा एंड लास्ट uh, तक आपके पास आप मेरा नंबर व्हाट्सएप पर रहेगा कुछ भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो बिल्कुल एंट्रेंस जब तक आपका एडमिशन नहीं हो रहा है जब तक वो रहेगी चीज़ इसलिए मैसेज कर सकते हो तो बस चल दी गाइज मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में सो स्टे हैप्पी स्टे सेफ